सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और आने वाले इंटरेस्टिंग न्यूज के मजे पाइए। उत्तर कोरिया ने रविवार 21 मई को एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जो करीब 500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। एक सप्ताह पहले भी उसने मिसाइल का परीक्षण किया था जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया आई थी और प्रतिबंध लगाए गए थे। समाचार एजेंसी योनहैप ने खबर दी है कि ताज़ा परीक्षण के बाद दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जाए-इन ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई है। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि वह इस बारे में पता नहीं कर पाया है कि दक्षिण प्योनगान प्रांत के पुकचांग से दागी गई मिसाइल किस तरह की है, लेकिन यह करीब 500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। उन्होंने एक बयान में कहा, उत्तर कोरियाई सेना की ओर से उकसाने के संकेतों पर हमारी सेना बारीकी से नजर बनाए हुए है। हम अपनी सेना को तैयार रखे हुए हैं। उधर अमेरिका में व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है कि उत्तर कोरिया ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। बीते 14 मई को उत्तर कोरिया ने हवासुंग रिन 12 मिसाइल का परीक्षण किया था जिसकी मारक क्षमता करीब 700 किलोमीटर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ सऊदी अरब आए व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने यहां कहा, हम अवगत हैं कि उत्तर कोरिया ने एक MRBM प्रक्षेपित किया। पिछली बार फरवरी में प्रक्षेपित यह प्रणाली उत्तर कोरिया के पिछले 3 नवीनतम परीक्षणों के मुकाबले कम दूरी तक मार करती है। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।